दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं नंबर वन प्रॉपर्टी से धीरेंद्र सिन्हा। आज आए हैं हम सबसे द्वारका का टॉप डिमांडेबल, सबसे डिमांडेबल सोसाइटी एयरफोर्स नवल। टावर नंबर 6 है और जितने भी 6A, 6B, 5A, 5B इस टाइप से होते हैं तो टोटल 12 टावर हैं। और हम 6A में सेकेंड फ्लोर में थे, जाएंगे सेकेंड फ्लोर का। सेमी सिंप्लेक्स काम किया हुआ, सिंपल काम किया हुआ, साफ सुथरा काम किया हुआ। और यहाँ पे बेसमेंट पार्किंग है, कम्युनिटी हॉल है विथ AC एंड गेस्ट हाउस बना हुआ है। जो आपके कभी कोई गेस्ट आते हैं तो वो आपको थोड़ी सी मामूली चार्ज देके आप अपने गेस्ट को स्टे कर सकते हो। इनके सोसाइटी पर 2 फ्लैट हैं, कम्युनिटी हॉल है सोसाइटी के अंदर विथ AC वाला कम्युनिटी हॉल है, जिसमें 200 लोग की गेट टुगेदर पार्टी कर सकते हो। एंड यहाँ पे कैंटीन होता है, जो जैसे कैंटीन खुला हुआ है, जो एयरफोर्स वालों का कैंटीन होता है वो शॉप खुले हुए हैं, प्लस विदाउट कैंटीन वाला भी शॉप खुला हुआ है, प्लस बेसमेंट पार्किंग भी है। दाने वाली सोसाइटी है और आर्मी का ये सोसाइटी एयरफोर्स वालों का बहुत ही मेंटेन है। 12 टावर है, 5A, 1A, 1B, 6A, 6B, 2A, 2B इस तरह का ये सोसाइटी है। ये पीछे का गेट था और हम अभी आगे चल रहे हैं और एयरफोर्स सोसाइटी में जाएंगे। हम चौथे टावर के पास है और सोसाइटी बहुत ही मेंटेन और क्वालिटी की काम किया हुआ है। यहाँ पे सारे आर्मी के लोग हैं तो अंदर ही गेस्ट हाउस उसके बना हुआ है। उसके बाद आपको कैंटीन एरिया, कैंटीन अंदर ही बना हुआ है जहाँ पे सारा चीज़ मिलता है चीपेस्ट प्राइस में, जो आर्मी लोग को जो कार्ड बना होता है उनका। प्लस गेस्ट हाउस है, कम्युनिटी हॉल है, बेसमेंट पार्किंग है और ग्रीन एरिया तो आप देख ही सकते हो कि मेरे आगे पीछे आप लेफ्ट राइट में और सब कुछ ग्रीन एरिया काफ़ी है। एंड वेजिटेरियन शॉप भी यहीं पे है अंदर ही और कई सारे 2-3 शॉप खुले हैं और ग्रीन एरिया आप देख सकते हैं, बहुत ही मेंटेन एयरफोर्स नवल अपार्टमेंट द्वारका सेक्टर 7। तो अब हम चलेंगे पहले आपको मेन गेट तक, हम आपको पूरा दिखा देते हैं सोसाइटी कैसी है, क्या है नहीं है। ये पूरी सोसाइटी मेंटेन आप देख सकते हो, दाने वाली सोसाइटी है, 12 टावर है। वैसे 6A तक ही है पर 6A, 6B, AB, AB करके है, A और B टावर करके बना हुआ है। तो ये हमारा एयरफोर्स नवल मेन रोड की सोसाइटी है और सोसाइटी के अंदर आपको पार्किंग एरिया भी बना हुआ है, जिस बीच मार्क किया हुआ है, प्लस बेसमेंट पार्किंग भी है, आउटसाइड पार्किंग भी है। रूल के बताऊं कि रूल इतना सख्त है कि अगर यहाँ का प्रेसिडेंट भी गलत पार्किंग करता है तो फोटो खींच के आप ग्रुप में डाल दो व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उनका भी प्रेसिडेंट का भी 500 रुपया चार्ज लगता है। ये सोसाइटी है, देखिए ये गार्ड रूम है। और हम चल रहे हैं सोसाइटी के अंदर, फ्लैट के अंदर। हम यहाँ तक आपको दिखा दिया फ्लैट, देखते कैसा है क्या है। तब तक बने रहिए और सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। हम आगे फ्लोर पे एयरफोर्स नवल अपार्टमेंट और हम आगे सेकेंड फ्लोर पे है और ये 6 टावर है, लिफ्ट सामने न्यूली लिफ्ट है। और ये सोसाइटी का बहुत ही पूरे द्वारका का सबसे मेंटेन सोसाइटी मानी जाती है क्योंकि आर्मी वालों की जो सोसाइटी है, 622 नंबर है। और ये एंट्री है, सेमी फर्निश्ड है, नॉर्मल काम किया हुआ है। और ये आपका ड्राइंग डाइनिंग, ड्राइंग आपको साइज दिखा देता हूँ पहले। ड्राइंग का साइज ये देखिए, ये ड्राइंग का साइज है, ड्राइंग का साइज है। मूव करके मैं दिखा देता हूँ चारों तरफ। एयरफोर्स नवल अपार्टमेंट सेक्टर 7, आर्मी की सोसाइटी बनती, बहुत ही मेंटेन। ये सबसे बड़ी बालकनी, ये बड़ी बालकनी पूरे कवर किया गया है। ये आपका पार्क के नीचे देख सकते हैं, ग्रीन एरिया है पूरा, बहुत ही बड़ा पार्क बना हुआ है, पार्क बहुत ही अच्छा पार्क बना हुआ है, मेंटेन पार्क है। एंड हम फिर ड्राइंग पे आ गए, ड्राइंग का यहाँ से फिर से इस तरह का लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ। एंड ये डाइनिंग एरिया, ये यहाँ से डाइनिंग एरिया है, सामने शोकेस टाइप का बना हुआ है, स्टोरेज के लिए बना हुआ है। एंड ये किचन है और किचन का आप देख सकते हैं काम किया हुआ है, चिमनी लगा हुआ है, ऊपर पूरा स्टोरेज बना हुआ है। और ये स्टडी है, स्टडी रूम है, किचन के साथ ही सर्वेंट रूम कह लो, स्टडी कह लो, बाहर से जाने का एंट्री है, ये बाहर जाने का एंट्री है। और ये आपका एंट्री है स्टडी, और ये सामने आपका ये डाइनिंग हॉल हो गया।
ये फर्स्ट बेडरूम, काफी बड़ा विंडो दिया गया है और काफी बड़ा ये कवर्ड बना हुआ है। अटैच इसके साथ बाथरूम है, कॉमन बाथरूम कह सकते हैं, दोनों ड्राइंग के साथ भी खुलता है इसका। एंड रूम का साइज आपको दिखाऊं तो काफी अच्छा रूम साइज है, ये देखिए रूम का साइज। फर्स्ट बेडरूम था और ये कॉमन बाथरूम। एंड ये सेकेंड बेडरूम है और ये अटैच आपका बाथरूम है, सेकेंड बेडरूम। रूम साइज बहुत ही बड़े बड़े रूम साइज है, आपको रूम साइज देखा तो दो पारी विंडो में और वही पार्क वाला विंडो है। और ये लोकेशन, मैं ये लोकेशन दिखाता हूँ, साइज दिखा रहा हूँ। बहुत ही बड़ा रूम साइज है, आप फिर से देखिए। अटैच बाथरूम का सामने कवर बना हुआ है, विंडो है जो पार्क की तरफ है। एंड तीसरा बेडरूम, थर्ड बेडरूम है जो बड़ी बालकनी की तरफ खुलती है। ये जो बड़ी बालकनी हम गए थे ड्राइंग जाने के साथ, ये तीसरा बेडरूम था और अब तो बात ये साइज है। और ये बड़ी बालकनी के साथ खुलता है, बड़ी बालकनी में आकर ड्राइंग डाइनिंग में हम आगे बालकनी से रूम होते। तो थ्री बेडरूम का फ्लैट प्लस स्टडी रूम और मार्बल फ्लोरिंग किया हुआ है और थ्री बेडरूम थ्री बाथरूम स्टडी रूम के साथ, टू बाथरूम है शायद और थ्री बेडरूम प्लस स्टडी रूम है, डबल इंट्री स्टडी के साथ है। एयरफोर्स नवल सेक्टर 7 द्वारका का सबसे मेंटेन किया हुआ सोसाइटी, सबसे ज़्यादा ग्रीन, क्योंकि ये आर्मी की सोसाइटी है, यहाँ पे आर्मी लोग ज़्यादा रहते हैं, काफ़ी अच्छी डिसिप्लिन में, गार्ड भी अच्छे डिसिप्लिन होते हैं, मैनर होते हैं, सफाई सुथरा मैनेजमेंट हर एक चीज टॉप क्लास का। एयरफोर्स नवल, आस्किंग प्राइस मात्र 2 करोड़ 15 लाख, 2 करोड़ 15 लाख आस्किंग है, वो भी नेगोशिएबल है, पार्टी मीटिंग है, 2 करोड़ 15 लाख। तो दोस्तों ये द्वारका का सबसे सेक्टर 7 का सबसे डिमांडेबल आर्मी सोसाइटी एयरफोर्स नवल, 2 करोड़ 15 लाख था। तो ऐसी सोसाइटी के लिए, ऐसे टॉप क्लास की सोसाइटी के लिए, ऐसे लो बजट प्राइस के लिए और द्वारका, द्वारका एक्सप्रेस टॉप क्लास के चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, नंबर 1 प्रॉपर्टी गुरु को सब्सक्राइब करना, वो भी अभी सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करते रहिए और आशीर्वाद देते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, थैंक यू।